जो चलती है मैंने कई लोगों से सुना है जो कश्मीर के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि वो अपनी मर्जी से जिसके साथ बिजनेस करना चाहे रहने की बात नहीं हो रही एक अलग स्टेट बना के

ताकि वो पहले पहले यहाँ से खाने पीने से सभी को जय हिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रियक्शन पे तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारतीय मूल के जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपको बहुत मजा आएगा तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें जय हिंद जय भारत

अब जो 47 में कश्मीर के जो जो किंग है उसने जब बोल दिया कि भाई मैं भारत के साथ मिलना चाहता हूँ काम खत्म हो गया तो आपने डिस्प्यूट डाला क्योंकि ये मुसलमान एरिया है हमें चाहिए हमें तो हैदराबाद भी चाहिए जूनागढ़ भी चाहिए ये आपके अंदर एक फतूर है कि जहां पे मुसलमान है वो सारा आपको बिलोंग करता है तो भाई ऐसा करो ना गाजा भी ले लो आप कि गाजा भी हमें बिलोंग करता है वो नहीं लोगे क्योंकि पता है उधर इसराइल है वो जो चूहे चूहो की तरह नीचे बिलों में फंसे हुए हैं वो एक एक को निकाल के मार देगा वो तो आया भी था आपके यहाँ पर जिसने बोला था कि आप बड़े स्ट्रांग कंट्री हैं पाकिस्तान की आप प्लीज हमारी सपोर्ट कीजिए एक भी आदमी आगे नहीं आया सपोर्ट करने के लिए नारे लगाने के लिए बड़े अच्छे हैं आप ट्विटर के ऊपर लेकिन हमास वालों की सपोर्ट तो करी नहीं एक भी आदमी पहुंचा नहीं वहां पर और यहाँ पे आप घोड़ों पे जा रहे थे हम जा रहे हैं पैलेस्टीन को बचाने के लिए यही काम कर सकते हो तो इसलिए जो ये बातें बोल रही है कि भाई हमारे लिए आसान नहीं है ये बड़ा आसान है एज कश्मीर इज कंसर्न पानी की प्रॉब्लम नहीं है पानी तो कहीं से भी आए ये एज तो चाइना से भी आता है जो हमारी हैदी है इतनी बड़ी नदी है है वो चाइना से होकर भारत में आती इट इज नॉट दैट एनी कैन स्टॉप एनी बडीज वाटर ये ट्रीटीज हैं अभी ऑलरेडी हमारी भारत की आपके साथ ट्रीटी हुई हुई है जहां पर अनफेयरली 80 परसेंट पानी आपको दिया जाता है ये है हिंदू ये है सनातन धर्म कि भाई दूसरा मरना नहीं चाहिए हम खुद मर जाए बेशक तो आपको तो प्रॉब्लम पानी की होनी नहीं चाहिए एंड हुआ कश्मीरी चूज से कि भी हम डिसाइड करेंगे किसको पानी जाएगा किसको नहीं जाएगा भारत की जगह है भारत की ही रहेगी भारत ही डिसाइड करेगा और भारत ने आपके साथ सिक्सटीज में ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि अस्सी परसेंट पानी आपको देना है दे रहे हैं उसको आज तक हमने तो ब्रेक नहीं किया अगर मैं रिवर्स करता हूं अगर सपोजिंग कोई ये कश्मीर आपके पास होता क्या आप अस्सी पानी हमें देते

ऐसा लगता नहीं आपकी से। मैं मोदी गवर्नमेंट को ये वाली वीडियो भेजने वाला हूं कि जो एग्रीमेंट गलत नहींपोज है, गलत है. कर लीजिए आरजू जी वो प्रपोज कर रही है बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल की ये फिफ्टी फिफ्टी होना चाहिए एटी ट्वेंटी की जो एग्रीमेंट है वो गलत था क्या बात कर रहे हैं सर मेरी सुपारी खाई है क्या आपने या पूरा पान खा लिया मेरे लिए कुछ भी मैं बोलूंगी तो आप एग्री कर देंगे क्या इतनी अकल अक्लमंदा आपको कमाल तो तो है आपकी प्रपोजल आई है सर मैं कुछ भी बोलती हूँ नहीं मेरी प्रपोजल नहीं आई मैं एक बात <laughs> <laughs> मेरी फोटो में हार लगवा देंगे आप नहीं नहीं वो बात नहीं है लेकिन आप मैं मेरे नहीं दोस्त... कहनी कि जो अगली जंग होगी सर वो वाटर पे होगी ये भी आ, बात की जाती है इसलिए भी मैंने इस 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 टॉपिक को उठाया है इस बात को उठाया कि कहा यह जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो अगली जंग होगी वो पानी पे होगी हर वक्त कुछ ना कुछ पड़ा रहता है इश्यू देखिए आप भी चाहती हैं कि ये कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए वो सारा एरिया जो आपको खुद ही डिसाइड करें कि पानी किसको देना है किसको नहीं देना नहीं, कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा मैं वहां पे गया हूँ देखा है लोगों से बात करी है वो बहुत खुश हैं। और वो कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहते अब तो वहां पर जो लोकल यूथ है उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया वी आर वेरी हैप्पी विद विद इंडिया टू पाकिस्तान पाकिस्तान हमें की तरफ मुंह करके भी सोना नहीं, नहीं, है नहीं कहा कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए मैं ये चाह रही हूँ मैंने आपको सिर्फ वो पूछा है जो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं मैं वो कह रही हूँ सारी चीजें मतलब मेरे सर पे ना डाले लेकिन ये जरूर चाहूँ जंग ना हो लड़ाई ना हो और अमन के साथ इस इशू का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए हम तालिबान से सीख रहे हैं कि अमन कैसे होता है वो आपके साथ अमन कैसे रखा हुआ है गोली गाली चलाए बिना वो कैसे वेस्टर्न बॉर्डर पे अपना काम करते जा रहे हैं तो हम भी सीख रहे हैं हम भी दूसरों से सीख के ही सनातन में ये चीज होती है कि खुद हर एक चीज में घुसने की जरूरत नहीं होती कि कहीं और से भी सीख सकते हैं और तालिबान हमें बहुत अच्छे लेसन दे रहा है कि पाकिस्तान को कैसे हैंडल किया जा सकता है हम सीख रहे हैं और सीख के इम्प्लीमेंट किया जाएगा मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मोदी जी की स्पीच आप भी सुनेगी रात को आठ बजे सर वो जैसे हम लोग छोटे होते थे तो स्कूल से आते थे और किसी बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा करके ना तो मदर कहती नहीं बेटा गंदे बच्चों के साथ नहीं खेला करो तो मैं यही बोल कि उनसे मत सीखिए तालिबान से <laughs> वो गंदे बच्चे हैं उनके साथ मत सीखिए अच्छा आज आज गद्दे लग रहे आज आपको गद्दे लग रहे हैं और तब तो बड़े बगड़े डाल रहे थे पंद्रह अगस्त को जब उन्होंने लिया अफगानिस्तान सर वो वो और लोग थे सर वो जो कॉफी शॉफी पी रहे थे मुझे मालूम है आप किसकी बात कर रहे हैं नहीं कि नहीं नहीं थो? आपके अपने दोस्त जिनकी हाइट और विड्थ सेम है वो भी बड़े खुश थे कि देखिए जी भारत को तो निकाल दिया आपने अफगानिस्तान से अब हमारी तालिबान की सरकार आ गई है अब नहीं? ये सारे जो है कश्मीर की तरफ भी जाएंगे अब कश्मीर हमारे पास आएगा आएगा मैंने खुद वीडियो देखी है तो सेम सर है? मैं, सर मैं मैं हर एक की जिम्मेदार नहीं हूं मैं सिर्फ जो बात मैं करती हूं उसकी जिम्मेदार हूं मैं तो इसकी भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेती कि मेरे घर के अंदर कोई क्या बात कर रहा है लेकिन हां मैं मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया और ना मैं करूंगी तालिबान को और ना ही टीटी -टी पी को और हां टीटी हर बनाया तो हमने खुद ही था हमारे गले पड़ गए टी टी का फुल फॉर्म तो पता ही है आपको टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान आपने खुद ही बनाया था मैंने खुद नहीं बनाया सर प्लीज सर इस किसम की बातें तो ना करें नागरिक टुकड़े टुकड़े कहीं नहीं हो रहा पाकिस्तान का और क्योंकि हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए हम भारत के लिए भी अच्छा सोचते हैं और हम पाकिस्तान के लिए भी अच्छा सोचते हैं भी भी चाइना चाइना के लिए अच्छा सोचते हैं सर ठीक हो जाए चाइना की तो अच्छा सर हमारा ही फायदा है तो आप कुछ मदद कीजिए सर ओ, चाइना वाले तो हमें देगा ना चाइना वाले मुझे हर रोज बोलते हैं कि भैया आरजू को बोलो हमारे पैसे दे दे और हमारी हालत खराब है और इसलिए तुम्हारी भी फीस के पैसे नहीं आ रहे कुछ बोलो आरजू को कि प्लीज पैसे भिजवाए क्योंकि तो वो जो है दे ककड़। दे देंगे, देंगे दे दे सर भागे नहीं जा रहे दे देंगे दे दे उनके आराम से बैठो जरा नूडल खाओ में आ जाएंगे बीस साल से वो सुन रहे हैं ये चीज आ जाएंगे तो ठीक है ना बीस साल और सुन ले ऐसी क्या बात है बीस साल यूं निकल जाते पता भी नहीं लगता चाइना का दिवालिया निकला तो पाकिस्तान ही उसका रीजन होगा और कोई रीजन ही नहीं है सर ये आर्ट है हमें मांगना आता है और हम ऐसे मांगते हैं ना कि हमारे तो कुछ यूट्यूबर भी ऐसा मांगते हैं कि बेचारे इंडिया से पैसे भेजने शुरू हो जाते हैं लोग और कौन कौन सी डिफरेंट कंट्रीज में भेज रहे हैं और मुझे हैरत है कि ठीक है वीडियो बनाना अपनी जगह वीडियो पे बात करना अपनी जगह लेकिन कुछ लोग जो वीडियो में पैसे मांग रहे होते हैं वो मुझे खुद खुदिंग फील होता है एज ए पाकिस्तानी आई डोंट लाइक के इस, इस किस्म की बात की जाए लेकिन होती है मैंने वो मैंने वो देखा है की जो वीडियो आपकी

में खोले हुए लोगों ने वहां पर पैसे लेते हैं और अपने घर भर भर रहे हैं किसी की हेल्प नहीं हो रही तो बेवकूफ़ भारतीयों जो पैसे भेज रहे हो पाकिस्तानियों को आपको कब अकल आएगी और ये बेवकूफी करनी बंद करो वो अपने घर बना रहे हैं किसी को साथ कुछ भी कर नहीं रहे वो नहीं दिस इज वैसे, वैसे वेरी इंबे इस किस्म की वीडियोस होती हैं लेकिन मुझे सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में तो पैसा भेजा नहीं जा सकता आई डोंट नो के लोग कहाँ भेज रहे हैं और क्यों भेज रहे हैं कुछ खैर लोगों को ख्याल करना चाहिए और अगर आपके पास इतना पैसा है तो आपकी अपनी कंट्री पे बहुत लोग मौजूद होंगे और होते ही हैं जिनको जरूरत होती है उनकी मदद करें पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो चाहे वो हिंदू हो क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो उन की मदद करना पाकिस्तानियों का फर्ज है उन्हें खुद करना चाहिए कि कर so आशा करता हूँ अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी के सवाल और सुमित जैन जी के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे ये जब भी दोनों बात करते हैं तो डिस्कशन जो होता है बहुत लाइटर मोड में होता है बट इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं अब देखते हैं जब ये डिस्कस करते हैं तो बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं बहुत डीप डिस्कशन करते हैं हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है तो आशा यही करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो भी आपके इस वीडियो के बारे में विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आप किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत